Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sujawal Academy में आप सब लोगों को खुश आमदीद. आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को ऑनलाइन कस्टमाइज टी शर्ट डिज़ाइनिंग की यूज़ केस डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा. ये एक सैम्पल डायग्राम है और ये जो साइट बनेगी वेबसाइट एक सिंपल वेबसाइट है जो कि ASP.NET या HP में बनाई जा सकती है क्योंकि इसमें डाटा भी स्टोर होना है. यानी एक शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग टाइप ये आप साइट बना सकते हैं. उसकी एक डायग्राम है उसकी यूज़ केस डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज की हम डायग्राम किस तरह से बनाएंगे. तो आज की जो हम डायग्राम बनाएंगे वो कुछ यूँ होगी, इस तरह से होगी. तो इसके लिए जो सबसे पहले कि इस की जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताता चलूँ कि मैंने किस बेस के ऊपर ये डायग्राम बनाई है. तो ऑनलाइन कस्टमाइज डिज़ाइनिंग, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ऑनलाइन कस्टमाइज टी शर्ट डिज़ाइनिंग इज़ अ वेबसाइट वेयर अ रजिस्टर्ड यूज़र कैन डिज़ाइन हिज हर ओन टी शर्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोवाइडेड टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स प्रोवाइड की होंगी, उसकी बेस पे जो है कोई भी जो यूज़र है वेबसाइट का, उस साइट का यूज़र, वो अपनी टी शर्ट डिज़ाइन कर सकता है और फिर वो सेंड करेगा जो उस साइट का ओनर होगा या उस साइट के जो ओनर होंगे या उस शॉपिंग कार्ट के जो ओनर होंगे उनको सेंड करेगा और फिर वो उस तरह से उस शर्ट्स डिज़ाइन करके उसको बनाकर भेजेंगे. अ यूज़र आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैन सेलेक्ट अ टी शर्ट कलर, टी शर्ट टाइप एंड साइज. आफ्टर दैट यूज़र कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग द टी शर्ट. फॉर टी शर्ट डिज़ाइनिंग अ स्टेज इज अवेलेबल टू यूज़र्स इन डिज़ाइनिंग इंटरफेस. डिफरेंट स्टिकर साइजेस, टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, शेप्स आर अवेलेबल टू यूज़र यूजिंग विच अ यूज़र कैन डिज़ाइन अ टी शर्ट. तो इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ यूँ होंगी. फर्स्ट, यूज़र शुड बी रजिस्टर्ड ऑन वेबसाइट. इट मीन्स के ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स कैन क्रिएट देयर शर्ट. फर्स्ट द यूज़र्स हैव टू रजिस्टर फॉर दैट साइट एंड देन ही विल बी एबल टू क्रिएट अ शर्ट. सेकेंड, ऑन डिज़ाइनिंग इंटरफेस अ स्टेज एंड डिफरेंट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस शुड बी अवेलेबल. डिज़ाइनिंग इंटरफेस स्टेज आएगी, उसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. कौन कौन से? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी शर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी शर्ट ही कैन मेक, या ही कैन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी शर्ट्स विद कॉलर, विद आउट कॉलर, राउंड नेक, वी नेक, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स एंड स्लीवलेस. सैम्पल्स, टेम्पलेट्स शुड बी अवेलेबल ऑन डिज़ाइनिंग इंटरफेस ऑफ द वेब. अपॉन सेलेक्शन ऑफ टी शर्ट फ्रॉम टेम्पलेट, T-shirt must be appeared on stage for designing. जो वो टेम्पलेट में से जो शर्ट सेलेक्ट करेगा उसके बाद वो डिज़ाइनिंग के लिए अवेलेबल होगी कि इसके ऊपर क्या डिज़ाइन करना चाहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना नाम लिखना चाहता है या उसमें कोई स्टिकर ऐड करना चाहता है. मज़ीद चलते हैं. कलर रेंजेस कैन बी सेलेक्टेड फ्राम ड्रॉप डाउन बॉक्स. On change of color, the T-shirt color should also be changed on stage. User can design on specific rectangle area of specific size. Different design area size must be available in this interface. And the number 9, different shapes, cartoon characters, flowers, stars must be available in this interface. Different font styles and effects should be in this interface. User can select, drag, drop the shapes and text on the stage. User can change text on the stage. User can also upload a customized image for t-shirt. After designing task is completed, user must submit the finish button. Upon click finish button, the designed t-shirt image along with t-shirt information should be stored. Design. Now I will make the diagram, and first of all you know that we have to draw the system boundary. System boundary, to draw the system boundary we draw a rectangle. Okay, then
external users who interacts with this application, and these are the two, customer, and second is the admin. Admin is only viewer, then he will say when the customer make online t-shirt. And one option I forget to told you, जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे होंगे तो उस डायग्राम सिस्टम यानी सबसे पहले उसकी आप सिस्टम बाउंड्री ड्रा करेंगे तो फिर उस सिस्टम का नेम भी लिखेंगे. और नेम आप कन्वेंशनल जो मेथड चल रहा है वो सेंटर में लिखा जाता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से तो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ. और अच्छा, आप चलते हैं कि इसमें जो पहला यूज़ केस होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का, यानी जो कस्टमर है पहले तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा. फिर सेकंड जो यूज़ केस है वो है लॉगिन का, ये कस्टमर जो है ये लॉगिन होगा. तो जब ये लॉगिन होगा तो उसके बाद लॉगिन के लिए ज़रूरी है कि इसका पासवर्ड अगर करेक्ट होगा तो ही ये लॉगिन होगा. इनकरेक्ट पासवर्ड पे ये लॉगिन नहीं हो पाएगा, यानी ये इसका जो है इंक्लूड्स रिलेशनशिप होगा. इसके साथ जो इसका रिलेशनशिप होगा वो इंक्लूड्स होगा, यानी इसका जो पेरेंट है वो चाइल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड द सेकंड इज इन, अगर इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड होगी तो फिर उसके पास एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा कि यूर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, डेट इज़ द एक्सटेंड्स रिलेशनशिप. ओके, नाउ द Now this is the third use case. This use case will be used by the customer. And now see, this is t-shirt style. Design t-shirt style. जो ही कस्टमर जो है वो लॉगिन होने के बाद जाएगा तो उसके पास पहला जो स्टेप आएगा वो डिज़ाइन टी शर्ट के बटन या वेबसाइट के ऊपर जो है वो बॉक्स बना होगा, ये बटन बना होगा, मेन्यू बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो टी शर्ट स्टाइल, डिफरेंट टी शर्ट स्टाइल्स आ जाएंगे. डिफरेंट टी शर्ट स्टाइल्स कौन से होंगे उसके पास, जैसे मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स में बताया था कि वी नेक, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, स्लीवलेस, कोई भी शर्ट का जो है वो सैम्पल्स भी दिए हुए होंगे, कॉलरलेस, विदाउट कॉलर, एंड फिर सैंपल भी दिया हुआ होगा. तो ये इसका और इसका जो रिलेशनशिप है ये इंक्लूडेड है, यानी ये इसने शर्ट का स्टाइल यूज़र ने जो कस्टमर है उसने चूज़ करना ही करना है. तो उसके बाद टेम्पलेट्स होंगी, ये एक्सटेंड जो है टेम्पलेट्स जो है ये इसका एक्सटेंड रिलेशनशिप है. सॉरी, यहाँ पे मैं जो है इसका ये एरो हेड इस साइड पे लगा दिया, ये एक्चुअली एरो हेड इस साइड पे होना था. ओके, तो नेक्स्ट जो है इसमें कस्टमाइज भी कर सकता है वो, जो उसके पास यानी ऑप्शन होगा कि वो उसको कस्टमाइज भी कर सकता है. और ये भी जो है ये ऑप्शन भी इसके पास एक्सटेंड रिलेशनशिप है. एंड थर्ड क्या है कि वो अब यूज़ केस इसका जो डिज़ाइन शर्ट का थर्ड सब यूज़ केस जो है वो इसमें ये कर सकता है कि उसने शर्ट का कलर चूज़ करना, ये तो मस्ट होगा क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये इंक्लूडेड है, क्योंकि कलर के बगैर तो कोई शर्ट बनती नहीं है. अब ये थर्ड जो है साइज़ भी उसने मस्ट ऐड करना है, इसका और इसके साथ इस पेरेंट के साथ जो रिलेशनशिप होगा ये भी इंक्लूड रिलेशनशिप होगा. एड टेक्स्ट दिस इज़ ऑप्शनल, कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं कि उनकी शर्ट के ऊपर टेक्स्ट हो. अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना ही नेम टाइप जो है वो राइट करवाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि विदाउट जो है टेक्स्ट हो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो, सिंपल हो. तो ये तो डिपेंड करता है यूज़ करने वाले के ऊपर कि वो अगर वो चाहता है कि टेक्स्ट, लिहाजा ये एक्सटेंड रिलेशनशिप होगा इसके बीच में. थर्ड इज़ अपलोड कार्ट, कुछ लोग इमेजेस वाली पसंद करते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि एक तो वो कलर रेंजेस, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स सिलेक्ट कर सके जो कि मैं यहाँ बता चुका हूँ. फिर सेकंड जो है वो उसमें साइज़ ऐड कर सके, साइज़ बता सके कि किस साइज़ की इसको चाहिए. फिर
टेक्स्ट ऐड करवा सके अपनी मर्जी का, फिर टेक्स्ट ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके, और फोर्थ जो है इमेज, कोई भी इमेज, कार्टून या कुछ भी इमेज जो है वो, ये भी उसका एक्सटेंड रिलेशनशिप है। एंड लास्ट स्टेज जो होगी, इसमें जो लास्ट स्टेप होगा उसमें वो सेव करेगा इसे, और ये इसका जो है ये इंक्लूड रिलेशनशिप होगा, क्योंकि इसने सेव मस्ट करनी है, अदरवाइज उसकी जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगी। तो जब वो सेव करेगा तो उसके बाद उससे उसका नेम देना होगा, कोई भी डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल उसने जो डिज़ाइन बनाया वो उसे नेम देता है, माय डिज़ाइन, माय शर्ट, माय, ये जो है उस कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है जो यूज़ कर रहा है, जो वो नेम देगा यानी ये मस्ट है, तो ये क्या है, इंक्लूडेड रिलेशनशिप होगा। फिर ये क्या है कि उससे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होगी, ये भी इंक्लूडेड रिलेशनशिप होगा, एटलीस्ट वन क्वांटिटी तो उसे सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, इंक्लूड्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इस तरह से एरो हेड इस तरफ होगा, फिर वो डिज़ाइन सेव डिज़ाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये भी क्या है, मस्ट है, और डिज़ाइन सेव हो जाएगा। इसी तरह फिर जो है एडमिन, एडमिन क्या करेगा, एडमिन जब उसके पास जाएगी तो वो उन ऑर्डर्स जो आए हैं उनको व्यू कर सकेगा कि ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं, कौन कौन से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड ऑर्डर्स चेक कर सकेगा, यानी ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड है। फिर अंडर प्रोसेस, जो ऑर्डर अंडर प्रोसेस होंगे वो चेक कर सकेगा कि कितने लोगों को सेंड कर चुके हैं, कितने लोगों की अभी बनना बाकी हैं ये, और ये भी चेक कर सकेगा डिस्पैच्ड, कितने लोगों को डिस्पैच्ड हो चुकी हैं। तो ये थी सिंपल सी ऑनलाइन कस्टमाइज्ड टी शर्ट डिज़ाइनिंग की एक जो सिस्टम है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट्स ही इतनी है, उस सिस्टम की यूज केस डायग्राम। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है उनके ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड कर चुका हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करता रहूँगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का एड्रेस भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी सब कुछ दिया हुआ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।